नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर गर्भवती चाहती है उसका शिशु सुदृढ़ हो, तंदुरुस्त हो, और उसके लिए सबसे जरूरी होता है गर्भवती का आहार। गर्भवती को अपने आहार में सभी पोषक तत्व युक्त आहार लेना चाहिए। उसमें फलों का विशेष महत्व है। चलिए आज जानते हैं अनार के बारे में। अनार में क्या क्या पोषक तत्व है, अनार का सेवन कब करना चाहिए, अनार के क्या फायदे हैं गर्भावस्था में, तथा अनार से रिलेटेड कई मिथ भी है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। गर्भस्थ शिशु के शरीर और मानसिक विकास के लिए अनार बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अनार में कैल्शियम, फोलेट, आयरन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। तो चलिए अब जानते हैं अनार में कौन से तत्व मौजूद होते हैं और कितनी मात्रा में। यदि आप 100 ग्राम अनार लेती है तो उसमें आपको 83 कैलोरीज मिलती है। अनार में विटामिन सी और डाइटरी फाइबर्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। लगभग 17% विटामिन सी और फाइबर्स 16% तक मिलते हैं। नेचुरल शुगर 14% इतनी मिलेगी। विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, जिंक, सोडियम, ये सब अप्रॉक्सीमेटली 3-6% इतने मिलते हैं। इतना ही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है अनार, जो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स के बैड इफेक्ट को दूर करता है। अनार एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भी युक्त है। तो चलिए अब जानते हैं अनार के क्या क्या फायदे हैं गर्भावस्था में। प्रेगनेंसी में अक्सर देखा जाता है हीमोग्लोबिन का कम होना, और यदि हीमोग्लोबिन कम है तो आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान कुछ परेशानी ना हो, इसके लिए गर्भवती की खून की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, और अनार में मौजूद विटामिन B6 तथा आयरन खून की कमी को पूरा करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए आपको अनार का सेवन करना ही चाहिए, जिससे आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ेगा। अनार में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह बेबी के दिमाग को विकसित करने के लिए मददगार साबित होते हैं। अनार में फाइबर्स की मात्रा भी अधिक होती है, तो अनार के सेवन से आप कब्ज, एसिडिटी जैसे शिकायत से बच सकती है। अनार में मौजूद फॉलेट बेबी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन सी, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु के हड्डियों तथा मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो गर्भावस्था में यदि आप अनार का सेवन करती है तो आपकी स्किन भी हेल्दी और चमकदार ऐसी रहेगी। अनार के संबंधी एक मिथ भी है। ऐसा कहा जाता है अनार का सेवन यदि गर्भावस्था में ज़्यादा किया जाए तो उसमें जो आयरन होता है उसके कारण बेबी का रंग सांवला या काला हो जाएगा, लेकिन यह एक मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसके लिए कुछ भी साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है। तो अनार का सेवन गर्भावस्था में आप बिल्कुल कर सकती है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आप ज़्यादा खाती है तो वो जहर बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए लिमिटेड मात्रा में यदि आप अनार का सेवन करती है तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है आपकी गर्भावस्था में। अब आप सोचेंगे कि मैं कितने अनार खा सकती हूँ, तो आपको डेली या अल्टरनेट डे एक अनार आप बिल्कुल खा सकती है। आप अनार वैसे भी खा सकती है, या उसका जूस बना के उसे भी पी सकती है, या फ्रूट सलाद बना के उसमें भी अनार आप डाल सकती है। तो इस प्रकार अनार को आपको सेवन करना है गर्भावस्था में। तो अनार खाइए और गर्भावस्था को हेल्दी बनाइए। साथ ही साथ आपके बेबी को आपकी इच्छा से डेवलप कर सकती है, उसको फिजिकली एंड मेंटली जैसा आपको चाहिए वैसा बना सकती है, और वो पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप इसी के लिए है। आप वहाँ पे जाके ये पूरा सीखेंगी कैसे आपको आपके बेबी में मनचाहे गुण
डालने हैं, इसका ट्रेनिंग आप वहाँ पे लेंगे। आपका डाइट कैसे होना चाहिए, आपको बेबी के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि आपका बेबी सुंदर, सुदृढ़ और सद्गुणी हो। साथ ही साथ जब आप संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप करती है तो आपको मिलता है ऑनलाइन वर्कबुक, साथ में संजीवन गर्भ संस्कार का बुक भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा और कुछ ऑडियोज भी आपको सुनने को मिलेंगे पूरे 9 महीने तक। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप ऐप डाउनलोड कीजिए और बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। धन्यवाद।